हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हेल्प आइडिया स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करके बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी जो है, एक ट्रेन जो है, सो समान चाल से, एक चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन जो है से क्या करती है कि एक समान चाल से वो जो है से स्पीड को बिना घटाए या बढ़ाए क्या करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी अगर इसका चाल जो है से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर और ज़्यादा होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चाल दिया हुआ पहले से नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है से चाल मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है से कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो है से ट्रेन की चाल मान लिए और इसका जो है से दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी की, ये जो है से कितना तय किया है, तो कितना दूरी तय किया है, 360 किलोमीटर। अब दूरी दिया हुआ है, ठीक है, और चाल हम लोग मान लिए तो समय की जरूरत होगी, है ना। जब कोई भी वस्तु दूरी तय करती है तो क्या करती है, वो समय लेती है और किस स्पीड से दूरी तय करती है वो भी इसमें जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय तो आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। अब हमको निकालना क्या चीज, समय, तो ये समय बराबर जो है से क्या हो जाएगा, समय यहाँ पे चाल यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या चीज, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे जो है सो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, कितना है, 360 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो चाल हम माने हैं यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर, तो 100 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट में, ठीक है। अब आगे जो है से क्या कहता है कि अगर इसका चाल 5 किलोमीटर पर घंटा जो है से क्या होता है, अधिक होता, इसका क्या होता है, नई चाल जो है से बताया जा रहा है कि नई चाल बराबर इसमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। अगर इतना ज़्यादा रहता तो क्या होता, ये उसी यही दूरी को तय करने में एक घंटा समय कम लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार नई चाल के अनुसार इसका जो है से समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समय बराबर जो है नया समय जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, नई समय बराबर कि ये दूरी क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया दूरी में, है ना, तो दूरी में परिवर्तन नहीं आया है, तो दूरी कितना, 360 किलोमीटर, और इसका जो है से नया चाल यहाँ पे तो चेंज हो गया ना, चाल क्या है, चेंज हो गया है, तो यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये जो है से स्पीड इसका बढ़ जाता तो एक घंटा समय क्या लेता, कम लेता, यानी अब देखा जाए तो यहाँ इक्वेशन के अनुसार क्या चाहिए, इक्वेशन के अनुसार क्या किया जाएगा इसमें कि ये हम लोग इसमें लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, इसमें प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पहले वाला, ठीक है, और अब वाला जो है से अगर पहले वाला है, से पहले वाला है 360 किलोमीटर में जो है से इतना तय करता है, और कहता है अगर ये इसका स्पीड बढ़ा दी जाए, क्या स्पीड को बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, एक घंटा समय कम लेता, तो स्पीड को बढ़ा दिया गया ना, x प्लस कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर। अब इसका जो है से कहता कि अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए, इसका स्पीड बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, ये एक घंटा क्या करता है, समय को कम लेता है, समय को क्या करता है, एक घंटा कम लेता है, तो ये कम लेता है घंटा समय, तो बराबर कब होगा, जब इसमें एक जोड़ दिया जाए, क्या हो गया, ये एक घंटा कम समय लेता है, तो ये इक्वल हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, एक घंटा ये कम समय ले रहा है, तो इससे ये कम हो गया ना, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक इसमें
जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन एक तैयार कर लेंगे, ठीक है, 360 बटा x, और यहाँ पे इधर प्लस तो इधर माइनस में, 360 बटा x प्लस 5 बराबर कितना 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे x x कैंसिल हो गया तो बच गया इतना, इंटू इतना करेंगे यानी 360 गुने x प्लस 5। ठीक है, अब माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे क्या चीज, ये जो है से इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x इंटू 360, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल में क्या हो गया 1। अब यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये 360 गुने x करते हैं तो कितना आता है 360 x, और प्लस अगर 360 गुने 5 करते हैं तो आता है 1800। अब यहाँ माइनस, अब 1 गुने 360 करते हैं तो क्या आता है 360 x हो जाता है, 360 x। अब बट्टा में जो है ऐसे कितना है, x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये सी ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो घट के कितना 0 हो जाता है, घट के कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब बच जाता है यहाँ पे 1800, और ये यहाँ पे भागा में, तो इधर हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, गुना में ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग उसको गुना में ले करके आ सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे गुना में ले आते हैं, तो इधर फाइनली क्या बचा है, यहाँ पे जो है फाइनली बचा है 1800 सिर्फ। ठीक है, 1800, और इसको वो साइड लेकर के चले जाते हैं तो क्या आता है एक्स इंटू एक्स प्लस 5। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दीजिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ एक्स इंटू 5 करेंगे तो 5x। ठीक है, अब ये जो है से इधर क्या है, इधर प्लस में तो उधर लेकर के चले जाएं तो माइनस में आ जाएगा, है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 बराबर 0। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कि देखा जा रहा है कि ये जो है द्विघात समीकरण तैयार हो गया, तो हमें क्या करना है, एक्स की मान ही निकालना है ना, क्योंकि हमको पता होगा कि जो चीज़ हमें निकालना होता है वही हम लोग मानते हैं, और यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करना है और उसी को हम लोग माने थे 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड कर करके, या फिर आप किसी भी मेथड से इसका एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से करेंगे, तो अगर इसका जो है से 1800 को गुणनखंड किया जाए तो 40 और कितना, 40 और 45, 40 और 40 गुने 45 करते हैं तो आ जाता है 1800, क्या आता है 1800, और अगर इसको जोड़ा या घटाया जाए तो आ जाएगा यहाँ पे 5x। ठीक है, अगर इसको आप गुना करके देख लीजिए, 40 और 45 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1800। ठीक है, और अगर इसको 40 और 45 को जोड़ा या घटाया जाए तो 5 आता है कि नहीं, अगर इसको जो है से प्लस में लाना है ना, तो ये प्लस में नहीं, ये माइनस में और ये प्लस में, तो देखिए तो आप 45 में से अगर 40 को घटाते हैं तो 5x आ जाता है, तो ये एक 40x और एक 45x इसका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड विधि से और अच्छा से समझना है तो आप हमारे वीडियो जा करके वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 5x की जगह पर क्या लिखेंगे, एक बार जो है से यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 45x, और एक लिख लेते हैं माइनस 40x। ठीक है, अब माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, ठीक है, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, है ना, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स ले लिए, और एक्स अंदर आ गया, और इसमें से एक्स बाहर आ गया तो क्या हो गया 45 अंदर हो गया, अब माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन मिल रहा है ना, और क्या हो गया एक्स, और इसमें से अगर 40 ले लेते हैं तो बच जाता है यहाँ पे 45 प्लस में, क्योंकि माइनस जो है कहाँ बाहर आ गया है। ठीक है, तो प्लस में 45 बराबर 0। अब आपको इसमें पता होगा, ठीक है, कि ये जो है ऐसे ब्रैकेट में जो रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी एक्स प्लस 45, और ये जो है से क्या हो गया एक्स माइनस 40 बराबर क्या चीज 0। अब फाइनली देखा जाए तो क्या हो गया, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ हम लोग 0 किया करते थे। ठीक है, तो इतना इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो गया एक्स माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स बराबर जो है क्या गया, इधर प्लस में इधर माइनस में 45, और इधर एक बार ये जो है माइनस वाले लिए हैं तो ये माइनस में, तो इधर क्या चीज में आ जाएगा
प्लस में 40। तो आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु हो, चाहे रेल हो, ट्रेन हो, यानी बस हो, कुछ भी हो, तो उसका चाल माइनस में कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है से एक्स का मान क्या है, माइनस में। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ चाल हो सकता है माइनस 45 किलोमीटर पर आवर? नहीं हो सकता है। तो ये जो है से क्या हो गया, इसका चाल जो है से निकला कितना, यहाँ पे माने थे रेलगाड़ी की चाल कितना 1 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आया कितना 40। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, कि इसीलिए रेलगाड़ी की चाल और आवर क्या हो गया, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।